बर्गर काफ़ी टेस्टी है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इवनिंग नहीं, ये नाइट है, क्योंकि अभी बज रहा है रात के 11 और अभी हमारे वहाँ खाना बन रहा है और खाने में खीर और आलू की भुजिया सब्जी और पराठा या पूड़ी जो भी बनेगा वो। और आज पूरा दिन ब्लॉग मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आज की गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लिटरली बहुत गर्मी है। और इतनी गर्मी में वीडियो बनाना और ऊपर से आज पूरे दिन लाइट नहीं थी घर पे, क्योंकि पता नहीं क्यों आज लाइट कटी हुई थी, इसलिए पूरे दिन मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। सो आज 3 जून और दिन है आपका फ्राइडे, तो आज तो कुछ खास वीडियो बनाया नहीं, तो ये वीडियो में भी कल कंटिन्यू हो। और फिलहाल अभी आज दिन में 2-3 बार नहा चुके हैं क्योंकि रात में इतनी गर्मी थी। अभी लाइट मतलब रात शाम के 7-8 बजे आया था, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए अभी ना आया हूँ। अभी देखते हैं खाना वाना बनता है तो दिखाते हैं आपको खाना वाना खाते हुए, उसके बाद से कल यही ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छा हूँ, होपफुली आप सब अच्छे हैं। और ये ब्लॉग कल वाले ब्लॉग के बाद से कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि कल रात में खाना जो है हम लोगों ने पूड़ी बनानी पराठा ही खा के संतोष करना पड़ा, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी पूरे दिन, मतलब थका हुआ था, तो बिना ब्लॉग बनाया सो गया। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और अभी मैं उठ रहा हूँ, तो देखते हैं आज क्या क्या होता है मेरी ज़िंदगी का, आज का दिन क्या क्या जाता है, कैसे गुजरता है आज का दिन। जैसे आप मेरा दिन गुजरेगा वैसे आप लोग को पता चलते रहेगा कि क्या क्या कर रहा हूँ। A few moments later, तो दोस्तों नहा धो के हम अभी रेडी हो चुके हैं, मैं जा रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं तो उनसे मिलना है, देखते हैं। अभी कॉल तो उठा नहीं रहा तो आ रहा है या नहीं, फिर भी हम जा रहे हैं बाहर कुछ काम में। भागो जल्दी, भागो, हेलमेट लगा के जाएंगे क्या? तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ ओरियन मॉल, भूख लगा हुआ था कुछ खाने पीने, एक डबल क्रिस्पी बर्गर कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ ओरियन मॉल और अभी मैंने बर्गर ऑर्डर किया है क्योंकि अभी कोई आया नहीं मेरा दोस्त, मैं अकेले ही हूँ और वो सब आएंगे भी नहीं, तो फिलहाल अकेले ही बर्गर का मज़ा लेते हैं। अब निखिल भी अभी आएंगे थोड़ी देर बाद, तो देखते कुछ खाएंगे उनके साथ भी। बर्गर आ चुका है, खाने वाला अकेला हूँ तो सिर्फ बर्गर यही आया है सिंगल, तो अभी निखिल भी बात हो चुकी है, निखिल भी आ रहे हैं फिलहाल, अभी बर्गर खा के बर्गर का मज़ा लेते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। बर्गर काफ़ी टेस्टी है, निखिल भी ऊपर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको कुछ खाना नहीं है, तो मुझे नीचे जाना है क्योंकि उधर जाना कुछ काम है जरूरी। बहुत तेज़ धूप है दोस्तों, देख सकते हैं आप, और अभी मैं बाइक से हूँ तो इसलिए इतना तेज़ धूप है। फिलहाल चलते हैं घर क्योंकि इतने धूप में वीडियो बनाना, फ़ोन हीट हो जा रहा है, वार्निंग आ रही है फ़ोन में, तो घर पहुँच के मिलते हैं आपसे। A few moments later. तो दोस्तों अभी घर पहुंच चुके हैं और ड्रेस वगैरह चेंज करके मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अभी
थोड़ी देर पहले मैं जब आया था तो आके सो गया था और अभी सो के उठ चुका हूँ, तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। भैया आप आज ब्लॉग में नहीं आए हैं एक भी बार, अब घर जा रहे हैं, बताइए इतना जल्दी? मिलते हैं कल के वीडियो में। अच्छा, आज पूरे दिन इन लोगों का वीडियो भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि आज हम खुद ही बाहर थे। ये भैया भी हमारे वहाँ नया नया काम करने आ गए हैं, नहीं 3-4 दिन से काम कर रहे हैं, वीडियो भी नहीं बना रहा तो कहाँ दिखेगा भैया। मेहमान आ जाएंगे, कहीं ना मेहमान आ गए और वीडियो तो वो नहीं ला रहे हैं। क्या हुआ, इतना दरवाजा आया हुआ है, इसको तो टांग ही नहीं पा रहे हैं। दो दरवाजा लगा के और 7 दरवाजा लगा रहे हैं। जहाँ आएगा वहीं लगाएंगे कि ऐसे लगा रहे हैं। अब उसको काटना तो करें, काटना नहीं है तो कहाँ कैसे लगाएं। अच्छा, कोई बात नहीं, लाइट चल रही है, स्मार्ट लग रही है। उसको एक साथ पैनिंग करें क्या पूरा? ऐसे थोड़ी ना कि पैनिंग करें, एक टांग एक पैनिंग करें। अब इसी बार माल कटेगी, इसी बार दरवाजे में कि एक माल का टीवी यूनिट कब बनाएंगे वहाँ पे? नहीं आप रुकिए, पहले जवाब दीजिए। ये नहीं जोड़ सकते दिहाड़ी पे था लेके लेके। भाई तुम्हारे वहाँ 1.5 साल काम किए हैं, 4 फ्लोर का। अरे ये जो सामने से फ्लैट है ना, उसको थोड़ा राउंड बना देना चाहिए था, तो हर चीज का कोनी पड़ जा रहा है ना, कहीं उठ रहे लड़ जा रहे हैं, कहीं चोट लग जा रहा है। चक्रवर्ती ब्याज लगाइए, कोना नहीं हो पाता है। समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ। की नहीं है बेड में, टीवी के पास जो ड्रॉर वॉर है ना, वहाँ पे भी लड़ जाती है सब फट से, वो कोना कोना है ऐसे ऐसे पूरा एकदम माइकी में नहीं हो पाता है। वही पापा से बोले तो कह रहे हैं लुक खराब हो जाएगा, वो माइकी में गोल नहीं हो पाता है। लकड़ी उकड़ी लगा के करते तब हो जाते, लेकिन दिक्कत है तो लकड़ी लगा के उसमें सन माइका लगा देते, तब लकड़ी लगा के माइका लगा देते नहीं। जैसा कि आपने अभी देखा कार्तिक आया हुआ था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हम लोग काफ़ी दिनों से दोस्ती है, मतलब अप्रॉक्स पता नहीं किन से मिला, मतलब 7 से 8 साल हो गया उससे मिले, मतलब काफ़ी अच्छा दोस्त है, हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं। तो आज घर पे आया हुआ था, कुछ देर पहले हम लोग बाहर भी गए हुए थे घूमने, बाहर से खा पी के, वो सारी चीज़ें मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को। अभी फ़िलहाल वो तो चला गया है और मैं घर पे आ गया हूँ। आज हमारे वहाँ कढ़ाई पनीर बन रहा है और बनाने वाला कोई और नहीं, मैं खुद ही हूँ, मैं खुद पढ़ा खुद बना रहा हूँ कढ़ाई पनीर। उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ये देखिए प्याज व्याज काट के लेके जा रही है, तो वहाँ पर रखिए, मैं आ रहा हूँ बनाने। A few moments later. ये देखिए दोस्तों, अभी मैं पूड़ी तल रहा हूँ और ये जो कढ़ाई है ये लोहे की है, आयरन मिलता है इससे, इसलिए हम लोग आयरन वाली कढ़ाई में खाते हैं ताकि बॉडी में आयरन की कमी ना रहे। ये है मेरे कढ़ाई पनीर, पूड़ी और ये नेनुआ की सब्जी, ये निकल गया था भैया। और दाल निकालना, ये दाल भी है, ये चावल भी है। तो गाइस खाना पीना हो चुका है फिलहाल और अभी है सोने की बारी और अभी टाइम हो रहा है आपका, रात के 12:30 बज चुके हैं, तो अभी मैं वीडियो एडिट करके अपलोडिंग पे लगा दूंगा और सुबह 8 या 8:30 बजे तक वीडियो आ ही जाएगी मोस्टली। और सबसे बड़ी बात ये है कि ब्लॉग में बोला था वीक में 1 या 2 आएगा, बट अभी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके डेली ब्लॉग आए, दिन में 1 ब्लॉग तो पक्का मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड करूं। मेरा टारगेट यही रहेगा 30 दिन में 30 ब्लॉग नहीं तो 25 या 20 ब्लॉग तो देना ही देना आप लोगों को। और जितने भी भाई लोग ब्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ पे फॉलो कीजिए। और किसी भाई
लोग जो किसी यूट्यूबर को जानते हैं तो प्लीज़ ये मेरा यूट्यूब आईडी उन तक पहुंचाइए ताकि मेरे पेज को वो लोग प्रमोट करें, इस मेरे आईडी को प्रमोट करें, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं तो उनको इतना रिच मिल पाता नहीं है। मुझे भी सेम वही सिचुएशन है कि मैं वीडियो तो बना रहा हूँ लेकिन उतना अच्छा रिच नहीं मिला। तो प्लीज़ आप लोग के शेयर कर, जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो प्लीज़ भाई लोग, आप जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं फिर कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।